ग्रुप ऑफ चार्ज ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा था मैं अभी बता रहा हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या है, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक वायर है, ये पर्टिकुलरली गुड टीचिंग एड है बिकॉज नॉर्मली देर आर थिक कड़ाज बट दिस इज स्लाइटली थिन। तो ऐसे ही ना एक पतली सी वायर लेनी है आपको जो सर्कुलर शेप में है। अब ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मीन्स इट कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सॉरी इट कैन मतलब इसके ऊपर जब भी हम कोई चार्ज प्लेस करेंगे, अगर ये कंडक्टिंग होगा तो आप इसके ऊपर एक जगह चार्ज रखोगे तो वो पूरी इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है ऐसे, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर में से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये ऐसे, द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर लाइक दिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द लूप। इसको हम एक्सिस बोलते हैं लूप की, ठीक है। और इसके ऊपर हम चार्ज प्लेस करेंगे इस लूप के ऊपर। तो सपोज हमने एक जगह पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज पूरी इसकी लेंथ के ऊपर स्प्रेड कर जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा बेटा, ठीक है। द चार्ज विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है। सो लेट सपोज द रेडियस ऑफ दिस लूप इज कैपिटल आर, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज वी टेक अ पॉइंट हेयर, ठीक है, तो देन अगेन ये एक्चुअल पॉइंट है, एक्सिस पे जो लाई करता है उसको हम एक्चुअल पॉइंट बोल देते हैं ये, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप एट द एक्चुअल पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इस लूप की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी एक एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है और ये सब जगह स्कूल्स में पेपर्स में है ना, हर जगह आती है, तो इसको एक बार मास्टर कर लेना चाहिए। 3 मार्क्स की जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट देते हैं बच्चे, तो दिस इज आस्क्ड वेरी कॉमनली। तो अब मान लो ये जो ग्रीन वाला टोटल चार्ज है ये कैपिटल क्यू है, सपोज कैपिटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस की लेंथ के अलॉन्ग लेट अस इमेजिन कि कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे स्प्रेड है ऐसे यूनिफॉर्मली। तो मतलब जो 2πr लेंथ है, सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है उसके ऊपर इतना चार्ज आपने डाल दिया, ठीक है। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर ये खास बात होगी कि जो चार्ज हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा, इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है। तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट वुड बी क्यू अपॉन 2πr, द चार्ज विच कम्स ऑन द यूनिट लेंथ विल बी 2, तो समटाइम्स वी कैन कॉल इट एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बाकी कुछ भी बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम्स पर मीटर में मेजर होगा, ठीक है, ये आपको इंट्यूटिवली क्लियर करना चाहिए। तो अब देखो, अब व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस इमेजिन कि ये जो ओ पॉइंट है वो पी और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ओरिजिन, इसको जो सेंटर है सर्कुलर लूप का उसको हम एक ओरिजिन की तरह से मान सकते हैं, और इस जो ये येलो वाली लाइन है एक्सिस इसको हम एक्स एक्सिस की तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड चूज करके, और ये पी पॉइंट जो है ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। नाउ एवरीथिंग इज क्लैरिफाइड कि अगर ये चार्ज क्यू है, ये रेडियस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। चलो मैं आपको बता नहीं रहा, अभी डिराइव ही करते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले मुझे बताओ, कुड वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और नॉट, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस, क्या ये फॉर्मूला हो सकता था? ये फॉर्मूला होता अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो, इफ दिस वॉज अ पॉइंट चार्ज वी वुड हैव दिस फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डिस्टेंस के ऊपर एग्जैक्टली इतनी आती है, अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं पी तो। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड चार्ज है, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज स्ट्रेट अवे द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला स्ट्रेट अवे, सो व्हाट डू वी डू। तो आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस नहीं है, अगर 5, 7, 10 पॉइंट चार्जेस होते तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते थे। तो स्ट्रेटजी क्या होती है कि ये जो पूरा लूप है, जो ये पूरा का पूरा लूप है, इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स, एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर आएगा, एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर आएगा। तो एक स्मॉल पार्ट अगर हम टॉप में लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, वो स्मॉल पार्ट जो है लेट से डीएल लेंथ का, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। दिस स्मॉल चार्ज कैन बी ट्रीटेड, दिस स्मॉल लेंथ कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। तो 2πr लेंथ पे क्यू चार्ज, यूनिट लेंथ के ऊपर क्यू अपॉन 2πr चार्ज, और ये जो स्मॉल लेंथ है ये लेंथ है डीएल, डीएल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Q अपॉन 2πr इंटू dl, ये चार्ज आ जाएगा dl लेंथ के ऊपर, इतना सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है तो कई बार इसको dq लिख देते हैं। लेट से ये हम अपने आप से एज्यूम करें कि मान लो इस चार्ज को हम dq मान लेते हैं,
तो ये प्रोसीजर है बेटा, इसमें डीएल लेंथ के ऊपर इतना सा चार्ज आ जाएगा। अब ये जो स्मॉल चार्ज है ये बेसिकली एक पॉइंट चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज, वो ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस आप देखो कितना आ जाएगा, ये तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा अंडर द रूट, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटन्यूज है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटन्यूज आ जाएगा। तो ये आपको इमेजिन करना है कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस कि यहाँ पे एक्सेल पॉइंट है, ये स्टेट यहाँ पे, यहाँ ले लो, ठीक है, पास में। तो ये जो टॉप पॉइंट है आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे स्पेस में बन रहा है, आप समझ रहे हो, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये फील्ड पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड आएगी यही आपको बताना है, हाउ मच इज द फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो अब ये इजी है, क्योंकि देखना आप, अगर हम इस चार्ज को डी क्यू मानते हैं इतना, ठीक है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वो आएगा के डी क्यू, डी क्यू इज दिस, इसके जो चार्ज है के डी क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डिस्टेंस अब पी से एक्स नहीं है, ये डिस्टेंस है, तो इसको तो हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इतनी आ जाएगी, ये समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू तो हम प्लेस कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से हमने निकाला ना, 2πr लेंथ पे इतना, यूनिट लेंथ पे इतना, तो ये dl लेंथ है तो dl लेंथ पे इतना, तो इसके अंदर हम इस चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर हमारा मेथड क्या होगा, इस चार्ज की फील्ड p पे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसकी फील्ड भी p पर निकालेंगे, नेक्स्ट की भी निकालेंगे, एंड कंटिन्यू इन दिस वे। तो पूरे लूप को आप थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट में फाइन डिवाइड कर दो, थाउजेंड से भी ज़्यादा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई करता है। तो वी शुड डिवाइड दिस सर्कुलर लूप इनटू एज मेनी स्मॉल सेगमेंट्स एज वी कैन डू, ठीक है। और फिर जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स आएंगी पी पॉइंट पर, उन सबको ऐड अप करना है, सारी फील्ड्स को, स्मॉल स्मॉल फील्ड जो आएंगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना थोड़ा टफ होता है, यही इसमें मुश्किल पॉइंट है, बिकॉज इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, ठीक है, और फिर जो इसकी वजह से फील्ड आएगी वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे अब डाइपोल में हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया था, तो एक्सिस के ऊपर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो हमें पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ नहीं करना पड़ा, लॉजिकली हमने कर दिया, ठीक है। और जो एक्सेल पॉइंट था उसके ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड थी, तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना पड़ा। अब इसमें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है, तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि ये आपके पास सर्कुलर लूप है और ये पॉइंट है आपका एक्सेल पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ध्यान से देखो किस तरफ आएगी, ये अगर एक्सेस ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पॉइंट की ऐसे आएगी नीचे की तरफ, ऐसे इट पॉइंट्स डाउन, नॉट लाइक दिस, गोज डाउन बिलो, ठीक है। तो आप इसको अगर इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे फील्ड बन जाएगी, सो दिस माइट बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इस टॉप पॉइंट की फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे आएगी कुछ, ये डीई की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और अब इसको ऐड करना मुश्किल हो जाता है, अब देखो यहाँ पर, देखो अब ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, स्मॉल सेगमेंट लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसकी फील्ड ऐसे आएगी इस तरफ, ऊपर वाले की तो नीचे आई थी ऐसे, ठीक है, और इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है बिल्कुल यहाँ पे, उसकी फील्ड ऐसे आएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसकी वर्टिकल प्लेन में आएगी इस वाले टॉप वाले लूप की, तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऐड, ये एक कोन बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर्स का, अगर आप सोच रहे हो ना, देखना इस तरीके से, तो इस तरीके से एक कोन बन जाएगा, उस कोन के अंदर ना ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कुछ फील्ड यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे 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 सब डायरेक्शन में, तो इट वुड बिकम अ कोन लाइक दिस, ठीक है, एक कोन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, कोन, एक कोन की फॉर्म में आ जाएंगी यहाँ पर। तो चलो पहले आप इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है जिससे ईजी हो जाता है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना, अगर हम इस लूप से डायमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली मीन्स एक डायमीटर के अलॉन्ग बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर हम एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ का और लें, ठीक है, तो उसकी भी फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो इन दोनों की हम पेयरिंग कर देंगे, पेयरिंग करने से क्या होगा, अब एक फील्ड तो ऐसे है, ठीक है, नीचे की तरफ, और दूसरी फील्ड बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगी, मतलब इफ़ यू ज्वाइन दिस पॉइंट अलॉन्ग विद दिस पॉइंट, तो जो सेकेंड फील्ड आएगी नीचे की तरफ से वो ऐसे आ जाएगी, वो इस तरफ से आएगी ऐसे, समझ में आ रहा है आपको। तो अब ये दो फील्ड्स एक ऐसे है और एक ऐसे है, और ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही वर्टिकल प्लेन में। अब इन दोनों के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, या तो आप इन दोनों को ऐसा करो वेक्टर के लॉस से ऐड कर दो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों का सेम है और दोनों पे चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज फील्ड इज सेम, इसका भी और इसका भी, आप चाहो तो यहाँ पे डी ई लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ,
तो लेकिन इसको अभी ऐसे करते हैं, ठीक है, देखना। तो दैट मीन अब पहले इन दोनों को ऐड करना ईजी है, अब अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम करते हो, इसको भी थीटा एज्यूम करते हो, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अब कहीं पे भी आप इस लूप के ऊपर एलिमेंट्स लोगे, सपोज आपने एक एलिमेंट लिया ये यहाँ पर और एक एलिमेंट लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी फील्ड्स एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, ऐसे और ऐसे, समझ में आ रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसकी तो आ जाएगी ऐसे और इसकी इस वाले एलिमेंट की आ जाएगी ऐसे, तो ये दो ऐसे बन जाएंगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसकी और इसकी, ठीक है, तो वो भी ऐसी एक ही प्लेन में आएंगी और इस तरीके से होंगी। और यहाँ वाले एलिमेंट की थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी आपको, यहाँ यहाँ पे एक एलिमेंट लें और उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट यहाँ लें, इसकी आएगी ऐसे और उसकी आएगी ऐसे, वो किसी दूसरे प्लेन में आएंगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। तो सबकी पेयरिंग हो जाएगी, इनको ऐड करना बहुत ईजी है। अब आप देखो इनको, एक तो हम पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं, देखना अगर ये डी है और ये भी डी है तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ दीज इनटू कॉस ऑफ हाफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों को ऐड करके ये पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्ट आएगा। और रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट हैज टू लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन, तो यहाँ रिजल्टेंट आएगा एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सिस के ऊपर आएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लाई करेगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना तो ईजी है, ठीक है, लेकिन यूजली इसको विजुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ हियर, बिकॉज जो मैं आपको अभी मेथड बता रहा हूँ वो कई जगह यूज होगा अभी बार बार फिजिक्स में, ठीक है। तो इसके हम दो कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, इसका कॉम्पोनेंट बनाते हैं, इसका एक कॉम्पोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक है, ऊपर बना रहा हूँ मैं एक्सिस के, ठीक है। इस कॉम्पोनेंट को हम बोलते हैं डी ई कॉस थीटा, ठीक है, मतलब इसके दो पार्ट्स बना देंगे डी ई के, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो डी ई कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ई पैरेलल टू द एक्सिस, डी ई पैरेलल, पैरेलल मीन्स एक्सिस के पैरेलल कॉम्पोनेंट, और डी ई का जो दूसरा कॉम्पोनेंट आ जाएगा वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं डी ई एन भी बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर का साइन लगा सकते हैं, ये डी ई परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कॉम्पोनेंट। तो आपने इसको तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, ये तो खत्म हो गई, अब इसकी जगह दो ये आ गई, ठीक है, दिस इज गॉन, दीज अपीयर, या आप इन दोनों को डिसअपीयर कर दो और इसको ले आओ, दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी ना आपको, ये थोड़ी कि ये भी मिल जाएगी, ये भी, ये भी, ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक है सबसे, दे फील दैट देर आर थ्री वैक्टर्स नाउ, देर आर ओनली टू नाउ, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, और ये डी परपेंडिकुलर है, इसके मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डी ई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। तो इसको आपने ब्रेकअप करके दो अलग वेक्टर्स बना लिए, अब ऐसे ही इसको भी ब्रेकअप करो दो पार्ट्स में, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये डी ई परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कॉम्पोनेंट बोलते हैं इसको, तो ये डी ई साइन थीटा, और इसका एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द एक्सिस आएगा, ऐसे बना रहा हूँ मैं, तो ये डी ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट्स हैं तो कैंसिल हो गए, और ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं कैंसिल होंगे, आप देखो क्योंकि इस सर्कल को नहीं मालूम है कि हम इन दोनों एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल के हिसाब से तो ये दोनों एलिमेंट्स की भी वही सिचुएशन है, ठीक है, इन दोनों की भी वही सिचुएशन है, मतलब इन दोनों के लिए भी जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक ही तरीके से हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि दैट व्हेन यू हैव दिस लूप हेयर, तो ऑपोजिट जो है डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट हर जगह कैंसिल होंगे, जो ऐसे हैं और ऐसे हैं उनके भी जो ये वाले कॉम्पोनेंट ये कैंसिल हो जाएंगे, अलॉन्ग द एक्सिस वाले बच जाएंगे, आपको इनको भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ वाले कॉम्पोनेंट्स को भी, आप जैसी सिमिट्री से आर्ग्यू करो, ठीक है, जो इनकी सिचुएशन है वही इन दोनों की भी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर सिमिट्री है, इसके अंदर सर्कल है ये, ठीक है, तो उनके जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले जो इनके लिए ट्रू है वो और भी दूसरे दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, ठीक है, बिकॉज जस्ट बाई रोटेटिंग दिस यू गेट ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर आपको इंट्यूटिवली क्लियर है तो ये सही है, तो इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट्स ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, जस्ट इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, इन दोनों का रिजल्टेंट आया इन दोनों को ऐड करके 2DE cos थीटा, वही आएगा जो पैरेललोग्राम लॉ से आ रहा था 2DE cos थीटा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट से E, तो E बेसिकली जो ये DE cos थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स हैं, तो आप इसमें देखो बेटा, जब हम ये सर्कुलर लूप लेते हैं, जस्ट शो मी अ पेन, ठीक है, जैसे हम सर्कुलर लूप लेते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखना, ये सभी जितने भी DL एलिमेंट्स आएंगे, DL एलिमेंट्स विल बी ऑन, स्मॉल एलिमेंट्स विल बी ऑन द पेरिफ्री या सर्कमफ्रेंस, उन सबका जो ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो एक ही है,
और ये जो एंगल बन रहा है ये भी सब एलिमेंट्स का एक ही है, क्योंकि ऐसे कोन बनेगा, ऐसे समझ में आ रहा है आपको, ये कोन आ जाएगा ऐसे, ये कोन की बेस है और ये कोन बन गया, ठीक है। तो सबके लिए ये एंगल थीटा सेम है सब एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो डी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स है इन्हीं को ऐड करना है, इनको ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना है आपको। लेकिन आप देखो इनके लिए वेक्टर लॉज ऐड करने की जरूरत है, जो डी कॉस थीटा है वो सारे पैरेलल टू द एक्सिस है, एक ही डायरेक्शन में ये सब कॉम्पोनेंट्स हैं। तो जब सारे कॉम्पोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में, तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, वरना वैक्टर्स को हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वैक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन ये जो डी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स है सभी एलिमेंट्स के, वो एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दी सॉरी पैरेलल टू द एक्सिस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरफ और डी कॉस थीटा इस तरफ हो जाते हैं, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव है, अब कुछ भी नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल, बाकी चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। तो ये डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, ये डी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस पार्ट की अभी हमें जरूरत नहीं है, चलो आई विल जस्ट वर्क हियर, यहाँ पे मैं वर्क कर लेता हूँ पर, ठीक है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू सी द कंप्लीट प्रूफ। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। अब डी की वैल्यू देखना बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैंने ही सिर्फ ये लिख दिया, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर डी क्यू की वैल्यू ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन टू पाई आर, ठीक है, इंटू डी एल, ये डी एल भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन है तो डी एल डी एक्स कुछ तो आना चाहिए। अब कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं बड़ा इजीली, कॉस थीटा कितना आएगा देखो, x अपॉन दिस, ये कितना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, x अपॉन दिस, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप लिख दो x अपॉन, लेकिन ये और ये एक जैसी टर्म है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो जब ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ हम लिखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 एडअप होकर कितना देंगे, 3 बाई 2 दे देंगे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 बाई 2 बन जाएगा। अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन मुश्किल लग रही है, लेकिन ये बहुत इजी है, रीज़न देखो, अब मैं ये एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि 11th में बच्चे इस चीज़ों को मिस कर देते हैं, बिकॉज दे फील दैट समहाउ विदाउट इंटीग्रेशन उनका काम चल जाएगा, बट एज दे क्लोज 11th क्लास फिजिक्स दे कम टू नो दैट विदाउट इंटीग्रेशन विदाउट कैलकुलस विदाउट वेक्टर्स यू कैन नॉट डू फिजिक्स एट ऑल, ठीक है। एंड इवन मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू जस्ट, उनको इतना अच्छे से सीखना पड़ता है, ठीक है, और 12th में तो बिल्कुल ये है ही बेटा। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कॉन्स्टेंट जो है उनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाना होता है। अब जैसे ये सबको क्लियर है, इसमें के इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कैपिटल क्यू इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज द टोटल चार्ज। सो वेन एवर यू आर चेकिंग वट हैज़ टू बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल के बाहर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आपको एक सिंपल सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना है कि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाओ और देखो कि क्या क्या चीज़ें चेंज कर गए। तो जब हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो क्या ये वाला डिस्टेंस x चेंज होगा, ये तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब x भी कांस्टेंट है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, क्या ये वैल्यू चेंज होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो उतना ही रहा, तो ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको भी हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 को बाहर ले जाते हैं, तो के क्यू 2 पाई आर इज द टोटल लेंथ, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो 2 पाई आर को भी हम बाहर ले जाते हैं 2 पाई आर। तो बचा क्या अंदर, अंदर तो सिर्फ डी एल बचा, अंदर सिर्फ डी एल बचा, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो बाकी सब चीज़ें तो बाहर ही चली गई। और डी एल लेंथ का मतलब क्या है, अब ये इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर लूप करनी है, ओवर द इंटायर लूप मीन्स इंटायर सर्कुलर लूप, मतलब पूरे लूप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना आपको, वो तो ऑब्वियस है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीएल को यहाँ पे जीरो से लेकर, ठीक है, और टू पाई आर भी लिख लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखना चाहते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो नो मार्क्स विल बी कट, इट इज डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रल डीएल कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रल डीएल, इंटीग्रल डीएल मतलब सारे एलिमेंट्स ऑफ लेंथ को ऐड करना है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर आ जाएगी। तो 2 पाई आर आने का मतलब ये चीज़ जो आपके पास, ये 2 पाई आर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल डीएल की वैल्यू 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर इस 2 पाई आर से कैंसिल हो गया, और जो बचेगा वही आंसर है, ये जो चीज़ है ये, तो इसकी लेंथ डायग्राम में हमने लिखी हुई थी, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को जैसे हम डाइपोल की एक्सप्रेशन है वो हमें याद रखनी होती है, वैसे ये एक्सप्रेशन भी हमको याद रखनी होती है, ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन। तो ये देखना बेटा क्या एक्सप्रेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्चुअल पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, वो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है कि सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या वैल्यू आएगी। कैपिटल क्यू एक्स अपॉन 4π ε₀ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2। ईजी है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और आप इसमें से चेक कर सकते हो कि अगर हम सेंटर पे ही फील्ड निकालते हैं, सपोज हम ओ पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, तो इसमें एक्स कितना हो जाएगा? अगर हम सेंटर के ऊपर फील्ड निकालते हैं तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो फील्ड कितनी आएगी? जीरो। मतलब इस सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर फील्ड जीरो आएगी। समझ में आपको? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप हैज टू बी जीरो। एंड व्हाट एल्स? इसमें से एक और बड़ी अच्छी चीज आर्ग्यू कर सकते हैं, अगर हम सर्कुलर लूप से बहुत दूर चले जाएं, मतलब जब x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा हो, when the value of x is very large as compared to r, ठीक है, what happens then? तो जब x बहुत ज़्यादा है तो इसमें जो डिनोमिनेटर में r है उसको हम x स्क्वायर के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं। तो when x is very large as compared to r, तो ये वाले टर्म में ये सिर्फ x स्क्वायर बन जाएगी, r स्क्वायर को जीरो पुट कर देंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, r स्क्वायर और x स्क्वायर और 3/2 x क्यूब बन जाएगा। जब नीचे x क्यूब आ जाएगा, ऊपर एक x है, तो ये आंसर आएगा 1/4π ε₀ q/x². ये तो वही पॉइंट चार्ज की फील्ड है जो हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आप इससे बहुत दूर चले जाओगे, तो जब भी हम फिजिक्स में कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो लिमिटिंग केसेस में, लिमिटिंग केसेस होते हैं कि बहुत दूर आप चले गए तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो लॉजिकली ये रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट चार्ज अपीयर होगा। अगर हम एक सर्कुलर रिंग से सपोज इसी से हम बहुत दूर चले जाएं, तो वहाँ से तो इतना सा अपीयर होगा, पॉइंट चार्ज अपीयर होगा, ठीक है, तो देन ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए बिकॉज ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो द डायग्राम विच यू हैव, बिकॉज वी आर जनरेटिंग कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम दिस ईयर लास्ट 6 months, सो द डायग्राम विच इज देयर इन योर नोट्स, इट इज़ नॉट अप टू माई लाइकिंग, सो वी आर रिवाइजिंग इट। तो बट यू जस्ट हैव अ लुक एट दैट डायग्राम एंड द वन आई ड्रू ऑन द बोर्ड, ठीक है। सो जस्ट एक बार रीडिंग करना बेटा इसकी, एक बार रीड कर लो आप। एक बार रीड कर लो एंड हैव अ लुक एट द डायग्राम ऑल्सो। आ गया समझ में आपको? फॉर्मूले याद रखने बेटा। देखो, मेनी टाइम्स वी मेक दिस मिस्टेक दैट वी स्किप द फॉर्मूले। हम सोचते हैं कि इसके बिना काम चल जाएगा, बट वो नहीं चलेगा काम, जस्ट मेमोराइज। नेक्स्ट बेटा ये है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा है, सम पीपल कैन कॉल देम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बट जो भी टर्म यूज़ करते हैं, मैं आपको करेक्ट विजुलाइजेशन बता रहा हूँ इसकी।
ऑल्दो ये कंसेप्ट बहुत पुराना है, मतलब देखो 1850s के अंदर ना, 60s के अंदर माइकल फैराडे ने प्रपोज किया था। माइकल फैराडे के बारे में आप पढ़ लेना, ही वॉज अ मीन्स ऑलमोस्ट एंड यू कैन से वेरी ही डिड नॉट गो टू स्कूल लाइक न्यूटन हैड द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन एंड देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट ठीक है हु वेंट टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। वो बिना स्कूल गए और पुअर फैमिली से था, तो उसने कई सारी चीज़ें डिस्कवर की, हमने सुना होगा है ना माइकल फैराडेज की डिस्कवरी के बारे में। तो चलो वो आप अलग से पढ़ भी लेना ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट प्रपोज किया था कि दैट देर वी हैव टू इमेजिन समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नथिंग रियल, कुछ नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर प्रेजेंट कंसेप्शन अगर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ठीक है अपनी स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई नहीं क्रिएट होती, देर इज नथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज क्रिएटेड ठीक है बाय अ पॉइंट चार्ज। सो वाई इट इज देयर, बिकॉज दिस हेल्प्स अस टू विजुलाइज। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हम कोई सीनरी हम देखते हैं कहीं पे, हम कहीं घूमने गए और एक सीनरी देखी और आपने एक पेंटिंग बना दी, तो पेंटिंग आप कैनवस पे या ड्राइंग शीट पे बनाओगे तो ड्राइंग शीट तो टू डायमेंशनल है, व्हाट यू सी इन टू डायमेंशन ठीक है, तो दैट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ द रियलिटी। वो रियलिटी को आप दिखा रहे हो दो डायमेंशन में, रियलिटी तो थ्री डायमेंशन है। तो अगर आपको सपोज दिखाना है कि कोई सड़क दूर जा रही है तो आप पर्सपेक्टिव बना के ऐसे दिखाते हो, तो एक्चुअली तो ये दो लाइन ही लगाई हमने ठीक है, दिस इज नॉट अ रोड विच इज़ गोइंग स्ट्रेट। तो मतलब असली में तो कुछ और है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वैसे ही हैं, जो रियलिटी है उसको विजुलाइज करने का तरीका है। इट इज़ जस्ट अ वे टू मेक अ मेंटल पिक्चर कि असली मीन्स रियलिटी कैसी है। तो फर्स्ट देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके हम बोलते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ठीक है। दीज आर टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हाउ वी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन वेर एवर देर आर इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने से आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर कैसी है, कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे फील्ड वीक है, किस पॉइंट पे फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो समझना ईजी हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाकर। और ऑल्दो मॉडर्न टाइम्स में देखो वेक्टर्स 1902 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर्स से डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक पॉइंट चार्ज बनाया तो पॉइंट चार्ज के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी दूर थोड़ा कम लेंथ की ड्रॉ करेंगे, फिर और कम लेंथ की ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव होता तो ये सारी वेक्टर्स टूवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी दूर कम आएगी, थोड़ी और दूर कम आएगी। तो एक तो हम ऐसे वेक्टर्स बना के फील्ड को इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे फील्ड वीक है ठीक है। ऑल्दो वेक्टर्स इज द रियल थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट फिर भी यूज़ होता है अभी भी। ऑल्दो इट वॉज यू कैन से ऑलमोस्ट एन अनएजुकेटेड पर्सन इन्वेंटेड इट, बिकॉज ये एकदम से ना विजुलाइज करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे फील्ड की क्या नेचर है। तो इसमें दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल या इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ठीक है, जस्ट दैट हमें अभी बोर्ड एग्जाम के लिए और वैसे इसमें पूछते हैं क्वेश्चंस ठीक है, उसमें आते हैं क्वेश्चन इसके। तो देर आर टू डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल, असली में नहीं होती है ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व्स विच हैव बीन ड्रॉन इन सच अ वे दैट ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड टुगेदर। क्राउडेड मीन्स दे आर क्लोजर टुगेदर। जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पास पास दिखाते हैं ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। अब ये वेक्टर्स नहीं है, ये इमेजिनरी कर्व्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास हैं, और जहाँ पे फील्ड वीक है वहाँ पे ये दूर दूर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड लाइन्स पास होती हैं और अदरवाइज वो दूर होती हैं। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दिखाएं तो ऐसी कुछ बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। सो नथिंग कम्स आउट ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इससे कुछ बाहर नहीं निकल रहा, नथिंग कम्स आउट ऑफ इट, बट स्टिल पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम आउट ऑफ द पॉइंट चार्ज। थिंक का मतलब वो विजुलाइजेशन का तरीका है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है वेयर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक दे आर फर्दर अपार्ट, ये लैंग्वेज है फर्दर अपार्ट ठीक है। एंड थोड़ा और दूर जाएंगे तो ये और दूर हो जाएंगे तो फील्ड वीकर बन जाएगी। सेकेंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, सपोज इसमें तो स्ट्रेट फील्ड लाइन्स मैंने दिखाई ठीक है, अगर हम इन जनरल कोई भी फील्ड लाइन दिखाते हैं
तो सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अलॉन्ग द टेंजेंट. मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट लें तो, और उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ना आएँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो की डायरेक्शन जो आएगी वो इस टेंजेंट के ऊपर आएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू वेक्टर एट द पॉइंट पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट पी हैज़ टू लाई ऑन दिस टेंजेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो ऐसे हो सकती है टेंजेंट के ऊपर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो वो पी पॉइंट पर ऐसे हो सकती है या वो ऐसे भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में. तो इन दोनों में से एक होगी, दोनों तो हो नहीं सकती, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में होना है. तो सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैज टू बी अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इससे डायरेक्शन नहीं पता चलती. तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे कहीं पे भी, कोई भी फील्ड लाइन बनी है, तो उन पे ये एरोज लगी होती हैं. इन एरोज को हम सेंस एरोज बोलते हैं. यही डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा. तो अगर मैंने इसके ऊपर सेंस एरो ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को फिर उस डायरेक्शन में होना पड़ेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगी, ऐसे नहीं आ सकती है. ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स विच हैव बीन ड्रॉन इन सच अ वे दैट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट. ठीक है, एंड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is along the tangent to the curve at that point, with the complete direction being given by the sense arrow. Complete direction sense arrow से पता चलेगी. ठीक है, अब इस point पर electric field vector ऐसे नहीं हो सकती, it has to be along the tangent. ठीक है, तो अब आप कहोगे कि इसके ऊपर sense arrow कैसे लगेगी या curve कैसे बनेगा, तो वो तो पहले से कुछ simple situations के curves, electric field lines हमको याद ही करने हैं. We have to just remember and memorize. So this was a way of thinking which was developed by Michael Faraday. बिकॉज ही फेल्ट कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में जो चार्जेस आपको दिए हुए हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विजुलाइज किया जा सकता है, एंड वी कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस. तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है. अगर यही चार्ज नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, अब आप इसमें देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आनी चाहिए, इस कर्व के साथ टेंजेंट, तो टेंजेंट तो इसके ऊपर ही आ जाएगी. इस पॉइंट पर किस तरफ आनी चाहिए, अलॉन्ग द टेंजेंट. सो एट ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होती हैं पॉइंट चार्ज के अराउंड, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड. अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाए तो फील्ड लाइन स्ट्रेट ही रहेंगी, बस सेंस एरोज विल रिवर्स, सेंस एरोज उल्टे हो जाएंगे. रीजन, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड वेक्टर्स इस पॉइंट पर, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होती ना, तो ये वाली सेंस एरो ऐसे ना आकर ऐसे आती फील्ड लाइन के ऊपर. तो ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन आपके नोट्स में बनी हुई है, आप देख लो उसको एक बार वहाँ से. ठीक है, तो बाकी अब लेट अस मूव टू द डाइपोल. लाइक इफ यू टॉक अबाउट अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं. अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और लेट सपोज कि ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेट बाय अ सर्टेन फिक्स डिस्टेंस, हाउ डू वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो ये आपको याद ही करना है. इट इज़ नॉट एज इफ के आपको इसको जनरेट करना है, ठीक है, कि आपको कोई एग्जैक्टली ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट कंसेप्ट, इट इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वे टू अंडरस्टैंड. अब इसकी फील्ड कहाँ पे किस डायरेक्शन में आपको नहीं मालूम, इनका तो फिर भी इजी था पॉइंट चार्ज का. तो अब जैसे ही हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे डाइपोल के अराउंड, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है और किस डायरेक्शन में है. तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, और ये याद रखना, ये आपने क्लास टेंथ में जो ड्रॉ किया था ना बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस, वैसी होती हैं ऐसे. ये और बन जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ये और बड़े बड़े आएंगे, लेकिन ये घुमाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, तो इसको और ऐसे बना लो, और यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे और यहाँ पे ऐसे. तो इस तरीके की फील्ड लाइंस आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की. ठीक है, और इन इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस के ऊपर सेंस एरो हम कैसे बना सकते हैं, देखना. तो अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन स्टार्ट करती हैं, स्टार्ट मतलब दे कम आउट ऑफ इट, ठीक है, और ये आगे चलती रहेगी, इसको डॉटेड बना सकते हैं. ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो सारी फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर करती हैं ऐसे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेंगे, समझ में. तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज को कई बार हम सिंक मानते हैं, सिंक ऑफ फील्ड लाइंस. सिंक मींस इट इज टेकिंग इन ऑल द फील्ड लाइंस. और जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है, सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस. तो
पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से तो ओरिजिनेट करती हैं, स्टार्ट करती हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी से दे आर कंटिन्यूस कर्व्स। कंटिन्यूस मीन्स ऐसा नहीं है कि बीच में इनके अंदर कहीं कोई ब्रेक आ सकता है। लाइक अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई छोटा सा ब्रेक आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। दे हैव टू स्टार्ट एट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड एंड ऑन दे हैव टू स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये फील्ड लाइन जो थी ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, नेगेटिव होता तो यहाँ पे एंड करती। ठीक है, तो दे डोंट स्टार्ट और एंड एनीवेयर अदरवाइज, दे ओनली स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। दे कैन नॉट हैव ब्रेक्स इन देम। ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, क्योंकि ब्रेक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है ना, ब्रेक का मतलब ये है कि दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गोइंग नोवेयर, तो दे हैव टू, यहाँ पे कोई चार्ज होना चाहिए इसको यहाँ पे रुकने के लिए। ठीक है, फिर अभी और जब हम आगे और थ्योरम्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें ब्रेक क्यों नहीं हो सकता। इट विल बिकम फर्दर क्लियर कि वेयर बाय देयर कैन बी नो ब्रेक। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, अब ये फील्ड लाइन के अंदर कोई ब्रेक नहीं आ सकता, ऐसे चलेंगी, और इसके ऊपर अब सेंस एरोज बना नहीं रह गए हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बाहर निकलती है फील्ड लाइन। पॉजिटिव से बाहर निकलती है कि नहीं, देखो सेंस एरो ऐसे लगाएंगे इसमें इस तरीके से। ठीक है, और नेगेटिव के अंदर एंटर करती हैं, सो दे हैव टू एंटर द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की फील्ड लाइंस को देख के एकदम से हमें आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में फील्ड कहाँ पर किस डायरेक्शन में है। अब आप कहते हो कि कैसे लगता है, तो आप एक बार देखो इसको। तो लाइक जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर फील्ड लाइन्स क्राउडेड हैं तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, और यहाँ पर फील्ड लाइन्स थोड़ी दूर दूर है। यहाँ पर देख लो, वो डायग्राम ऊपर सही नहीं बना हुआ। यहाँ पर देखो ये स्ट्रांग है और यहाँ पर फील्ड वीकर है। ठीक है, तो होता भी एक्चुअली ऐसा ही है जब हम कैलकुलेट करें ना, अगर सपोज, तो अभी हम सब जगह कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ पे वीकर है, यहाँ पे और वीक हो जाएगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ वीक, यहाँ वीक, यहाँ और वीक, यहाँ सबसे कम वीक, फिर यहाँ पे आप इमेजिन करते हो ये पास आ रही है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए फील्ड लाइन की। और डायरेक्शन के लिए आप देखो, अगर हम सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, या ये टॉप वाला पॉइंट ले लो, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर ऐसे आएगी कि नहीं? टेंजेंट, इस कर्व को टेंजेंट ऐसे बनेगी टॉप पॉइंट पे, तो वो ऐसे ही होनी चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कल हमने ड्रॉ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, नहीं तो ऐसी तो थी वो। ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, एक्सियल पॉइंट है ये, तो दैट इज, दिस इज एन एक्सियल पॉइंट, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये आप याद कर लोगे। ठीक है, और ये ड्रॉ करनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अब माइकल फैराडे जो भी सोचता था, ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ही यूज टू हैव अ इंट्यूटिव सेंस, तो वो कह रहा था कि ऐसी फील्ड लाइन्स बनाने का मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो भी विजुलाइज करता था। आई एम नॉट सेइंग कि आप विजुलाइज करो वैसे, वो तो हम अलग तरीके से सोचते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, बट ही यूज टू थिंक अप ऑफ दीज फील्ड लाइन्स एज सम काइंड ऑफ स्प्रिंग्स, एंड जो एक दूसरे को ये खींचते हैं चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी लैंग्वेज है, मतलब जो उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज है, आई कॉन्ट सी दैम अट्रैक्ट ईच अदर जस्ट बिकॉज दे आर जॉइंड लाइक दिस। ठीक है, तो वो आपको जो भी सोचना है। आप देखो दो तीन कुछ सिंपल, ये एक सोर्स है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सोर्स। ठीक है, और भी सोर्सेज हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनकी फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? ठीक है, तो इनकी फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू फैराडे दिस ही कुड विजुलाइज इन हिज माइंड दैट दे एग्जर्ट अ रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं फील्ड लाइंस। वो कहता था इसमें फील्ड लाइंस लेटरल प्रेशर लगाती हैं, वट एवर इट इज। तो वो इसने ऐसे बनाई थी इस केस में फील्ड लाइंस। ठीक है, यूज टू ड्रॉ दीज फील्ड लाइंस लाइक दिस, और एक्चुअली कंप्यूटर से हम जनरेट करेंगे फील्ड लाइंस के पैटर्न्स, तो वो ऐसे ही आएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जॉइन होने के बजाय एक दूसरे को ऐसे पुश कर रही हैं, वो कह रहा था ऐसे पुश करती हैं, तो वो उसका विजुलाइज करने का तरीका था। ऐसे फील्ड लाइंस तो असली में कुछ होती ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग, फील्ड लाइंस आर नॉट फॉर रियल। ठीक है, जस्ट लाइक अ सीनरी इज नॉट फॉर रियल, यू आर ओनली ड्रॉइंग टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन की चीज़ बना रहे हो। तो ये फील्ड लाइंस दूर की तरफ जा रही हैं ऐसे। ठीक है, तो इनको ज्वाइन नहीं करना, दीज फील्ड लाइन्स शुड नॉट बी ज्वाइन, इस तरीके से बन जाएंगी, आ जाएगा बेटा डायरेक्टेड अवे में। और आप चेक कर लो, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं आएगी ना, ये नल पॉइंट आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसके थ्रू फील्ड लाइन नहीं पास कर सकती, वी कैन नॉट हैव अ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो ये अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हों तो बस ये जो ग्रीन वाली एरोज हैं सेंस एरोज, ये उल्टी हो जाएंगी, दैट्स ऑल। तो नेगेटिव के लिए ऐसे आ जाएंगी एरोज सारी, All these arrows will start coming like this. अगर ये दोनों negative charges हैं तो like charges की field lines। तो ये कुछ simple situations है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें हम दो तीन चीज़ें और सीख सकते हैं। ठीक है, बट what electric field lines mean, एक बार notes से पढ़ लो बेटा। ठीक है, electric field lines की कुछ properties भी लिखी हुई हैं उसमें।
इसमें ना एक एक चीज, एक एक लाइन जो लिखी हुई है उसमें कई सारी चीजें घुसी हुई हैं, तो एक बार जल्दी से आप 2 मिनट के लिए रीड करो। एक कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये यूज होता है, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज। अब देखो, व्हाट डज इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज मीन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स इमेजिन कि ये वाली वॉल इमेजिन कर लेते हैं। अभी इसके अंदर से ये सारा कुछ आप रिमूव कर दो, एयर कंडीशनर और जो वॉल फैंस लगे मान लो ये सब हटा दो 2 मिनट के लिए। तो लेट्स इमेजिन कि ये जो वॉल है, अब ये वॉल इनफाइनाइट साइज की तो नहीं है, ठीक है, बट फॉर मैनी प्रैक्टिकल पर्पजेज यू कैन ट्रीट एज इनफाइनाइट साइज, ठीक है। मतलब सपोज वी स्टे वेरी क्लोज टू दी वॉल एंड इन द मिडल ऑफ द वॉल, बिल्कुल वॉल के बीच में अगर आप बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स को देखते हो तो इन पॉइंट्स के लिए ये वॉल बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर हम इससे बहुत दूर जाएंगे तभी ये थोड़ी सी फाइनाइट साइज इसका अपीयर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इमेजिन कि ये जो वॉल है, अभी इसको इंसुलेटिंग मान लो, और इंसुलेटिंग पे तो हम जैसी मर्जी चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, बिकॉज चार्ज इज नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग शीट होती, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज डालता तो वो पूरी की पूरी शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा। इट हैज़ टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप द चार्ज फ्रॉम मूविंग, कि आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ रुक जाओ, आप छोड़ोगे तो फिर मूव करके चला जाएगा, तो इट विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली। लेकिन इमेजिन कि हमारे पास एक ऐसी शीट है और उसके ऊपर हम जैसे ये पेंट लगाया हुआ अभी यहाँ पर हमने, तो सपोज हम उसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। लेट सपोज कि हमने पूरी वॉल के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली फैला दिया, ठीक है, तो आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसे दिखाते हैं बेटा इसको, तो आई वोंट बी एबल टू ड्रॉ एन इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है। ये कंटिन्यू करता है, ये 3 लाइंस का मतलब है दिस कंटिन्यूस, इट इज़ अ वेरी बिग साइज प्लेन, तो और भी बड़ा बनाना चाहिए मे भी। लेकिन अभी इसमें सिचुएशन क्या है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड, या नेगेटिव भी कर सकते हैं, अभी पॉजिटिव से समझ लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ दिस प्लेन, और मतलब इसके ऊपर हम बोलते हैं देर इज अ सर्फेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो कूलम्स पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली फैलाया हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या है कि हमने एक ही फेस को इमेजिन किया, तो ये इनफाइनाइट प्लेन बन जाएगा। अब इसकी फील्ड लाइन स्पेशल होती हैं, उसको हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल बीच वाले पॉइंट्स के ऊपर देखते हो, बीच वाले पॉइंट्स के ऊपर मतलब यू गो इन टू द मिडल ऑफ द वॉल, ठीक है, तो सपोज ये मिडल ऑफ द वॉल का ही एक सेक्शन है वहाँ बीच में, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड लाइन्स आएंगी वो ऐसी आएंगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसी आएंगी पैरेलल एंड स्ट्रेट। अब हम इसका कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट आएंगी, नीचे भी आ जाएंगी, इसके नीचे ये आ जाएगी, इसके नीचे फिर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, इसके नीचे यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे भी बना दो आप ऐसे, पैरेलल और स्ट्रेट फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लेन की जो फील्ड लाइंस आती हैं वो पैरेलल, स्ट्रेट और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेलल, स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड मीन्स जितना ये डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही आप ये ड्रॉ करो, अगर इसको आपने कम कर दिया तो यहाँ 4 बना दो, तो ऐसे भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, ऐसे इनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है। तो फॉर इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये सिर्फ इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज में होता है, मतलब इनफाइनाइट प्लेन वी कैन नॉट ड्रॉ, बट अप्रॉक्सीमेटली वी कैन हैव एन इनफाइनाइट प्लेन, तो वी विल नॉट गोइंग टू प्रूव। आप ये मान लो कि एक्सपेरिमेंटली नोन फैक्ट है कि ऐसी फील्ड लाइंस आती हैं, ठीक है, थीके? तो अगर आप इसके बिल्कुल बीच वाले पार्ट, अगर आप इसकी दीवार के कॉर्नर पे जाओगे वहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी नहीं आएंगी, कॉर्नर मतलब ये जो एज है ऊपर, ठीक है, वहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी इस तरीके से कर्व हो जाएंगी, तो उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, कई बार देर इज़ अ फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर हम वेल विद इन रहते हैं तो मोस्टली हम एक इन्फाइनाइट प्लेन इमेजिन करेंगे न्यूमेरिकल्स में, उस इन्फाइनाइट प्लेन की फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। और पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, अब सपोज ये पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो पैरेलल क्योंकि इन पे सेंस एरोज एक ही डायरेक्शन में लगा है, तो अब आप देखो व्हाट डू दिस फील्ड लाइंस मीन। पहली बात तो ना तो फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है ना कहीं वीक है, जितनी फील्ड लाइन्स का डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, दैट मीन्स फील्ड इज नॉट स्ट्रांगर और वीकर एनी वेयर, एवरी वेयर द फील्ड हैज द सेम वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा न्यूटन्स पर कूलम में, यहाँ पे भी एक पॉइंट लेते हैं वहाँ पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड इज सेम। तो 3 पॉइंट्स अगर हम ले लें यहाँ पे, तो पी क्यू और आर या कहीं और भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तीनों पॉइंट्स पे सेम होगा, और डायरेक्शन भी सेम होगी, मतलब
अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, सेम लेंथ की वेक्टर्स. सो वी विल हैव अ फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है हर पॉइंट के ऊपर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सेम. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू एंड आर, दे आर ऑल सेम, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी. तो अगर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कई सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म इन स्पेस. मतलब अगर स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो ऐसी फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अब पॉइंट चार्ज की फील्ड ऐसी नहीं होती है, ठीक है. अगर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट चार्ज की फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं होती है बिल्कुल. अभी कल मैं पूछूंगा ना तो कई सारे बच्चे कहेंगे पॉइंट चार्ज की फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे जस्ट लिसन. तो एक बार ध्यान से देखना, ये अगर पॉइंट चार्ज है तो इसकी फील्ड यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अलग होगी ना इनकी. और अगर हम एक ही डायरेक्शन में भी चलते रहें तो थोड़ी दूर जाके फील्ड कम हो जाएगी, थोड़ी दूर और जाके फील्ड कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन. इसकी फील्ड ऐसी नहीं है. अगर आप एक इन्फाइनाइट प्लेन बनाओगे, आप उसे 10 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे तो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी. पैरेलल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि इससे आप, अब आप इसका हमने कोई प्रूफ नहीं किया कि ऐसे कुछ होता है, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा प्लेन बनाओ उसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को चेक करो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड आएंगी. तो दैट इंडिकेट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन. उस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. ये सब कुछ समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल ईजी है. सो नाउ ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. तो अगर आपसे कभी भी पूछते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बना सकते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला सोर्स है एक इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज, ठीक है. तो ये याद रखना है. लेकिन एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे बेटा, देखो अगर हम सपोज लेट्स इमेजिन अ पेपर, लाइक सपोज लेट्स इमेजिन दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर. अगर हम एक ये सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लें, ये तो स्टेपल है अभी. तो अब इसमें अगर हमने इसके एक फेस के ऊपर चार्ज को स्प्रेड कर दिया, तो अगर ये इंसुलेटर है तो इसके दूसरे फेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके दो साइड्स हैं, ठीक है. अगर आप एक इंसुलेटिंग शीट लेते हो, सपोज एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटिंग शीट हम ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तभी बताई जा रही हैं आपको. एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं. अगर हम पेपर को ही बनाएं, सपोज फॉर एग्जाम्पल पेपर इज इंसुलेटर, इट इज़ नॉट एन एल्यूमिनियम फॉयल, इट इज़ जस्ट एन इंसुलेटिंग शीट ऑफ पेपर. तो पेपर को ऐसे बनाना पड़ेगा. तो ये एक राइटिंग सर्फेस है, एक तरफ लिखेंगे तो दूसरी तरफ भी तो लिख सकते हैं. तो इसकी एक साइड यहाँ पे आ जाएगी और एक साइड यहाँ पे पीछे आ जाएगी, ठीक है. दो साइड्स है ना पेपर की, ठीक है. और अगर आप इंसुलेटिंग शीट के ऊपर एक तरफ चार्ज डालते हो, इंसुलेटिंग शीट के ऊपर अगर आप एक तरफ चार्ज डालते हो तो दूसरी तरफ चार्ज नहीं आएगा अपने आप से, पीछे की साइड नहीं आएगा चार्ज. लेकिन अगर आप सपोज ये कंडक्टिंग शीट है और आपने इसके ऊपर क्यू चार्ज डाल दिया, तो अपने आप से आधा चार्ज क्यू बाई टू एक फेस पे जाएगा और आधा चार्ज Q बाई टू दूसरे फेस पे जाएगा. हम उसमें Q बाई टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो चार्ज जाएगा, ये जगह बहुत कम है, पतली सी जगह है ऐसे, इट इज़ वेरी थिन. अगर ये कंडक्टिंग है तो ये जगह के ऊपर जो चार्ज है उसको हम जीरो मान रहे हैं. वैसे तो इसके ऊपर भी जाएगा थोड़ा बहुत चार्ज, लेकिन उसको इग्नोर कर दो फॉर द टाइमिंग थिन शीट के लिए. तो फॉर अ कंडक्टिंग शीट इफ़ यू प्लेस अ चार्ज Q, इट विल ऑटोमेटिकली गो Q बाई टू ऑन बोथ फेसेस. फॉर एन इंसुलेटिंग शीट यू कैन आइदर क्यू बाई टू इधर डाल सकते हैं और क्यू बाई टू उधर डाल सकते हैं, या हम पूरा एक साइड भी क्यू डाल सकते हैं, नथिंग कैन स्टॉप अस. उसके ऊपर तो एक साइड और दूसरे साइड को खाली रख सकते हैं. कंडक्टिंग में आप एक साइड को खाली रख ही नहीं सकते. आप क्यू डालोगे तो आधा उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा अपने आप से. इट हैज़ टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली. समझ में आएगा. तो ये इनकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें जो बहुत जल्दी, ठीक है. वी विल नीड इट वेरी क्विकली. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. I think one important thing is left with this. देखो properties आप एक बार देखना बेटा, सारी properties हमारी हो गई हैं. Electric field lines due to some common sources हो गए. हो गई है ना सारी properties. ओके एक पॉइंट दे हैव जस्ट जंबल्ड अप द नोट्स. वी आर ट्राइंग टू मेक न्यू नोट्स दिस टाइम. अर्लियर नोट्स वर इन प्रॉपर सीक्वेंस, नाउ दे हैव सम जंबल्ड अप द नोट्स. तो वो मैं आपको दे दूंगा सारे नोट्स. आई विल सिट टुडे एंड फाइंड आउट. एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ. मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड.
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मींस. अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, अगर उस पॉइंट चार्ज की फील्ड की वैल्यू, अगर इस पॉइंट चार्ज की फील्ड की वैल्यू सब पॉइंट्स पर सेम है, ओके सब पॉइंट पर सेम तो आ नहीं सकती है ना. अगर सब पॉइंट पर सेम होती तो हम सोचते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है बेटा, देखो अब सपोज यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे फील्ड इतनी है तो यहाँ पे ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है. तो अगर इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ चेंज कब नहीं होगी, अगर हम इस पॉइंट चार्ज को मूव कर देंगे तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा हो जाएगी ना, ठीक है. तो इस यहाँ में भी कम हो जाएगी अगर इससे दूर चले गए तो पॉइंट से. सो अगर इसको आप रेस्ट के ऊपर रखते हो चार्ज को, तो यू एक्सपेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है. सो इफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेस डोंट चेंज विद टाइम, इन सब पॉइंट्स की या और भी कोई जो पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे, अगर उन सब पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना करती नहीं करती है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन टाइम. मतलब टाइम में चेंज नहीं कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो चेंज कर रही है. अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म इन स्पेस, ठीक है. लेकिन अगर इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बनी हुई है, अभी भी उतनी है, थोड़ी देर बाद भी उतनी है, थोड़ी देर बाद भी उतनी है, तो ऐसी फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं. तो देर आर टू सब्जेक्ट्स रियली, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होएगा और एक बाद में मैग्नेटोस्टैटिक्स होगा. तो स्टैटिक्स का मतलब ये, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हम कर सकते हैं. जो हमने फर्स्ट डे बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने का जो तरीका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इफ द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस डोंट चेंज विद टाइम, ठीक है, देन सच अ फील्ड इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. अगर स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो. ये आपको ध्यान में रखना है. अब इलेक्ट्रो बाद में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होगी. अब जैसे लाइट है, लाइट के अंदर ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं. लाइट कंटेन्स वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, विजिबल लाइट, ठीक है. जैसे ऐसे फील्ड की वैल्यू चेंज करती रहती है, वो कैसे चेंज करती है वो फिर बताएंगे आपको बाद में. बट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है, जो प्रॉपर्टी है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस बनाई जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन नेवर बी लाइक दिस. मतलब दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसी नहीं हो सकती. दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी हो सकती हैं. ये सभी बुक्स में गलत दिया हुआ है. बेसिकली सब जगह लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है. ये आपके नोट्स में आई थिंक उन्होंने दिया नहीं हुआ है, अब चेक कर लेना. सो यू कैन राइट इफ यू वॉन्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है. ये ऐसे अब आप कहोगे क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो एकदम से नहीं क्लियर होगा. अभी दो तीन चीज़ें और पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि वाई द फील्ड लाइंस कैन नॉट बी लाइक दिस. बट देर आर अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिनके साथ फैराडे काम कर रहा था, ठीक है, वो ऐसी हो सकती हैं. ये पॉइंट मिस हो जाता है तो उसको फिर बाद में समझ नहीं आता बच्चों को. तो अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपको स्कूल एग्जाम में या कहीं पर पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लिखो, तो नोट्स में आपकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनमें ये लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. ये समझ में आएगा क्यों नहीं कर सकती, वो एक दो दिन और रुकेंगे फिर आपको पता चलेगा. अभी इसको याद कर लेंगे. दे हैव टू स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टू स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस एंड दे हैव टू एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ऐसे नहीं आ सकती घूम के, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. चलो इतना बहुत है आज के लिए.